सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। मेरा एक ही गाना नुसरत फतेह अली खान ने गाया, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है। नदीम उनके बहुत भयानक फैन है। हो जाके खान साहब आपको एक गाना, बोले नहीं देख मैं यहाँ दूसरे का गाना नहीं गाऊंगा। बोला नहीं, आप गाएं कि मत गाएं, मैं एक गाना आपको दूंगा, अगर वो गाना आपके दिल को लग जाए तो। बोला अच्छा चल सुना दे। तो नदीम ने गाना सुनाया, बोले बेटा चलो। नुसरत साहब की आदत थी, वो रात को काम करते थे, आ गए तो उनके पहले तो गाने की स्टाइल अलग। बोले तख्ता बिछाओ, लगाओ जरा माहौल बनाओ, एक ढोलक वाले को लाओ। कर करा के जब मूड में आए तो उन्होंने बोला देख भाई, अब तू बोलेगा माइक पे खड़े होके गाओ, वो सब मुझसे होगा नहीं, मैं गाता नहीं, मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ तू माइक अगर सेट कर सकता है तो कर ले। लकली वो अंग्रेज था रिकॉर्डिस्ट उस वक्त, क्योंकि 100 ट्रैक्स की मशीन पहली बार आई थी हिंदुस्तान में, तो उसको उनका ट्रिक मालूम था। और कितना बज गया था, भोर के 4 बज गए। तो उन्होंने बोला देख नदीम, ये बुखार जो आज आया है ना, ये उतर जाएगा तो फिर चढ़ेगा नहीं बेटा, ये अगर होगा गाना तो आज ही होगा, वरना ये गाना नहीं होगा। उन्होंने कहा चलिए खान साहब ठीक है। तब अब मालूम था कि, क्योंकि बाकी जो गा रहे थे तो लगा कि ये तो यार इतिहास रचा इस आदमी। वो लाइन जब आती थी ना, मैं तेरी बाहों के झूले में फली बाबुल, बाबुल बोले रोने लगे, बोले मुझे मेरी बेटी की याद आ रही। और तुम थिएटर में अब भी कभी जाके देखना, जैसे वो लाइन आती है पूरा ऑडिटोरियम रोता है। मैं तेरी बाहों के झूले में।